बहन जी, आपके परिवार में शादी ब्याह के जो भी रीति रिवाज है आप हमें बता दीजिए। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बस अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं नूतन जी? मुझे तो वैसे भी रिवाजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, आइए हमारे साथ। कहाँ? कल हमारे बच्चों की हल्दी की रस्म है। माँ अपने हाथ से हल्दी नहीं पीसेगी तो रंग कैसे आएगा? अरे हाँ पंडित जी, आपका नंबर जो है वो 4G करवा दिए, अब तो आप हल्दी की पूजा ऑनलाइन करा देंगे ना? अच्छा, तो अब हमको फटाफट जो है इसका मुहूर्त का समय बता दीजिए। मतलब आप मुहूर्त बताने का दक्षिणा अलग से लेंगे? अरे यार, आपसे तो इकट्ठा का बात हुआ था, अब ये नहीं। नहीं पंडित जी, अब हर एक, सुनिए हमारी बात, हर एक पूजा का दक्षिणा अलग से नहीं होता है। हाँ ठीक है, आप मुहूर्त बताइए, हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। ओके जी, प्रणाम। अंकिता, वो अम्मा कह रही थी कि हम जाके चेक कर लें कि तुम लोग जो वो फोटो वोटो लिए हो वो फोन से डिलीट हुई कि नहीं। खुद ही देख लीजिए। वो तुम्हारी एक फोटो रह गई है। रह गई? नहीं नहीं, कैसे रह गई? वो मम्मी जी हमें बहुत डांट रही थी तो शायद जल्दबाजी में रह गई होगी। लाइए दीजिए, अभी डिलीट कर देते हैं। अब का देख रहे हैं, दीजिए दीजिए ना। नहीं मतलब तुम क्या कह रहे थे कि ये फोटो थोड़ी अलग है, मतलब अच्छी आई है तो इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। रहने दो फोन में, बस आगे किसी को भेजना मत। आते हैं। कौन है? कौन है? सोनम, अबे, इडियट, तुमने कहा था मेरी
सोनम, नींद में बड़बड़ा रही हो क्या? नहीं दी, वो सपना हो गया था। अब सो जाइए ना। अब भी वो प्यास लग रही है और रूम में पानी नहीं है, मैं पानी पी कर आती हूँ, आप सो जाइए। बी केयरफुल सोनम, घर में सब सो रहे, सबकी नींद खराब हो जाएगी। प्लीज इस बार पकड़े मत जाना। सीरियल किलर टाइप एंट्री करना जरूरी था? हार्ट अटैक आ जाता ना मुझे। हमारा दिल धड़क रहा है तुम्हारे सीने में। ऐसे कैसे आ जाता अटैक? और ना सिर्फ 4 दिन बचे हैं मैम, बस 4 दिन बचे हैं, उसके बाद हमारा अपना कमरा होगा जिसके मालिक होंगे हम। फिर कोई रोक के दिखाए? फिर मिस करोगी ये रमन राघव टाइप एंट्री मारी? अच्छा, जब भी ये सब ज्यादा मिस करूंगी ना, तो तुम्हें कमरे के बाहर निकाल के फेंक दूंगी। फिर आते रहना चुपके से मिलने मुझे। वैसे एक बात बताओ, रात के 1 बजे तो मुझे मिस क्यों कर रहे हो? और प्यार हो गया तुमसे आज, जैसे तुमने सब कुछ हैंडल किया ना, अम्मा को सॉरी बोल के एक ही झटके में सारा फसाद निपटा दिया, हमें भी एक झटके में और प्यार हो गया। आज अम्मा को पहली बार अपनी शादी के फंक्शन के लिए एक्साइटेड देखे हैं यार। ये सब तुम्हारे सपोर्ट की वजह से हो रहा है, थैंक यू। एक बात कहूं ध्रुव? क्या हुआ? अगर तुम मुझे मिनी स्कर्ट में देखते ना, तो तुम्हें और प्यार हो जाता। मिस कर गए यार। हनीमून पे ना, हम यूरोप की ऐसी कंट्री में जाएंगे जहां पे बीच बीच होंगे, और उन बीच के बीचों बीच तुम पहनना मिनी स्कर्ट, हॉट पैंट, सब कुछ हॉट। पर अब क्या फायदा ध्रुव? अब तो मैंने अपनी सारी मिनी स्कर्ट्स, हॉट पैंट्स, हॉट शॉर्ट्स सब फेंक दी, डिस्पोज ऑफ कर दी। अरे तो तुमने की है ना डिस्पोज ऑफ, दुनिया के सारे दुकानदारों ने थोड़ी ना कर दिए। चलेंगे शॉपिंग कराएंगे तुम्हारी। अच्छा, अब जब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मेरे लिए वो बीच वाले कपड़े और कुछ नाइटी भी ले लेंगे। हाँ, जिसे देख कर हमारा डे बन जाए। सही करेगी? मैं करती हूँ। एक सेकंड ध्रुव, सही है एकदम? ये एंगल बहुत बढ़िया, फिक्स कर दो, लॉक कर दो उसको। लॉक कर दूँ? अबे बच्चा पार्टी जल्दी करो, मैं हम मेहमान लोग आते ही होंगे, उनके आने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। हाँ संदीप जी, है ना एकदम चौचक प्रबंध। कितना अच्छा है कि सब मेहमान लोग जो है ना ऑनलाइन तैयार बैठे हुए हैं, ना किसी को नाश्ता कराने की जरूरत है, ना कुछ भी। इसी को कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग एकदम चोखा। अरे सीता जी, अंकिता, का इतना टाइम लगा रही हो? आओ ना जल्दी से। आ गए भौजी, ये अंकिता को मेकअप में बहुत टाइम लगता है। हल्दी शुरू करें नूतन जी? हाँ माँ।
चलिए आप लोग तैयार है तो हम भी बैठ जाते हैं आसन। क्या इतना शादी के लिए खपाया जा रहा है? अभी माटी मटकोर हुई नहीं इनको, हल्दी की पड़ी है। जल्दी मचाने से शादी आज ही नहीं हो जाएगी। मटकोर? अब मम्मी जी, ये मटकोर क्या होता है? लो भाई, इन्हें मटकोर भी नहीं पता। माने मुंबई इसी ग्रह पे है कि किसी और ग्रह पे? अरे मुंबई वालों को कहाँ पता होगा माटी मटकोर के बारे में। इनके यहाँ तो चट मंगनी पट ब्याह का रिवाज होता है। एक दिन में जयमाला पहना के जय जय बोल देते हैं बस। कोई बात नहीं, हम समझाए देते हैं। हमरे यहाँ मटकोर में नगर देवता ग्राम देवता से पहले अनुमति ली जाती है, फिर मिट्टी की कुएं की जलाशय की पूजा करके पितर पुरखों से आशीर्वाद मांगते हैं। एक बार सारी अनुमति आशीर्वाद मिल जाए फिर होते हैं शादी के कार्यक्रम शुरू। ओह गॉड, एक शादी के लिए इतनी अनुमति। मम्मी जी, मुझे तो हमारी शादी के लिए आपसे अनुमति लेते लेते ही मेरी नानी याद आ गई थी। ऐसा है, सुनो, ये मटकोर उटकोर छोड़ो, यहीं से जो है ना सबको हाथ जोड़ लेते हैं। वो भी समझ रहे हैं कि सब लोग बंद हैं, भूल चूक माफ कर देंगे। अब सीधे हल्दी की रस्म शुरू करो ना। 25-30 मेहमानों को मुहूर्त का टाइम दे रखा है, कुछ सब लोग रस्म देखने आ रहे होंगे। चलो। अरे तो लोग आ रहे हैं तो हम क्या करें? रस्में छोड़ दे, वो भी माटी मटकोर की। ऐसे ही तो कुछ नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें बेकार का अपना बिघन बाधा मत डालिए। हाँ पा, वैसे मम्मी जी सही कह रही है, मटकोर साउंड तो बड़ा इंटरेस्टिंग करता है। मतलब कुएं की पूजा, देवता पितर से अनुमति लेना, कितना इंटरेस्टिंग है ना। बट अभी लॉकडाउन में पॉसिबल हो सकता है क्या? मतलब हम किसी तरह मटकोर कर सकते हैं? अरे अब तो हो जाएगा पॉसिबल। ए बतासा। जी भैया। जाओ भी मिट्टी लेके आओ बाहर से, करते हम कार्यक्रम का सब बंदोबस्त। अभी लाया भैया। बाकी मटकोर में कम से कम 5 सुहागने चाहिए, तो हम शीतल जी और अंकिता तो है ही हैं। और सुभद्रा जी, जी आप और तनु बिटिया। मैं? हम? अरे समझ लो, हमारे पड़ोसी हो। पहले हम अपना मटकोर करा लेंगे, फिर आपका भी कराए देंगे। ये ठीक रहेगा, चलिए। अब देखो भाई, देखो ऐसा है, हम जानते हैं कि मटकोर सिर्फ औरतें करती हैं, बाकी वायरस जितना नुकसान पहुंचा रहा है उतना ही हम लोगों को ये सिखा रहा है कि अब बहुत कुछ बदल जाना चाहिए। हम भी कुछ हेर फेर करते हैं, कुछ रद्दो बदल करके। ऐसा करते हैं कि इस बार तुम लोगों के साथ हम मर्द लोग भी शामिल होंगे। भाऊजी क्या आइडिया दियो यार। क्यों दुल्हे राजा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि अगर कोई लोकल लड़की पसंद की होती थी तो उसे ये सारे रीति रिवाज और संगीत सिखाना नहीं पड़ता? एक्चुअली लग तो नहीं रहा है, पर सोचने वाली बात है। अच्छा सोच लो फिर। सोच लिया है, अब तो पकड़ लिए है ना सहरी हाथ, तो उसका हाथ पकड़ के अपनी दुनिया तो दिखानी पड़ेगी। चलो ढोलक की पूजा तो हो गई भौजी। वैसे भौजी, मटकोर के लिए तो घर की सारी औरतें नाचते गाते हुए घर के बाहर दूर कहीं से मिट्टी खोदते हैं, लेकिन हम तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। अरे बुआ, तो आप मान लीजिए ना कि आप घर से बाहर ही हैं, और वैसे भी बतासा जाके मिट्टी तो ले ही आया है, और बाप का जो मन है वो बिना नाचे गाए मान नहीं रहा है, यहीं गोल गोल घूम के नाचिएगा ये। हाँ जी, बात सही है। ओके, सो लेट्स बीट इट। भाभी,
यहाँ रस्म में घर की सारी औरतें एक साथ डांस करती है, आप भी चलिए ना प्लीज। आ जाओ ले जाओ ले जाओ।